नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। दरभंगा जिला संग्रहालय के समक्ष बिहार पशुपालन मंत्री और मुख्यमंत्री बिहार के विरोध में पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के तहत कई मांग भी रखी गई है। दरभंगा जिला संग्रहालय के समक्ष बिहार पशुपालन मंत्री और मुख्यमंत्री बिहार के विरोध में पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र के किसानों और पशुपालकों का पशुधन आर्थिक उपार्जन का आधार है, जिसकी रक्षा हम पशु टीकाकर्मी वर्षों से करते आ रहे हैं। लेकिन सरकारी उपेक्षा के कारण हम पढ़े लिखे टीकाकर्मी कार्यरत होते हुए भी बेरोजगारी झेल रहे हैं और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न है। हम लोग निम्नलिखित मांग समर्पित करते हैं। पशु टीकाकरण को पंचायत स्तर पर नियोजित किया जाए। पशु टीकाकरण को सरकारी सेवक घोषित किया जाए। न्यूनतम 21,000 मासिक का मानदेय दिया जाए। पशु टीकाकर्मी को दुर्घटना बीमा दिया जाए। कार्यपल पर सुरक्षा की गारंटी दी जाए। पूर्व से लंबित भुगतान अविलंब दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। सरकार पशुपालन मंत्री से कई बार मौखिक आश्वासन दिया गया जो कि आप सबको काम करते रहिए, आप सबको नियोजित किया जाएगा। लेकिन उनका काम करते रहे, लेकिन आज तक न नियोजित का काम हुआ, न आपको बीमा वाला काम हुआ, न पिछला बकाया राशि भी हुआ, न कोई तरह का काम जो है अभी तक पशुपालन मंत्री नहीं किए हैं। लेकिन इस सब के विरोध में हम सब 14 तारीख से अभी तक पंचायत स्तर पर अपना धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल के रूप में किए हैं। लेकिन आज ये पूरा जिला का जो एक एकजुट हुए हैं, जो अगर वादा खिलाफी कर रहे हैं पशुपालन मंत्री, तो इनके विरोध में पुतला दहन आज यहाँ पर किया जाएगा। यही सब बात है। अब देखिए, कई जिला में, हर जिला में मान लीजिए कोनो जिला में ऐसा हुआ जो दुर्घटना भी हुआ है, पशु का दुर्घटना हो जाता है, उसमें भी मदद हो जाते हैं कहने के लिए प्रखंड स्तर पर, तो वो भी कहता है हम कोई रिक्स नहीं लेंगे। न मान लीजिए नोडल रिक्स लेगा, न सरकार रिक्स लेगा, तो एक वैक्सीनेटर मान लीजिए जो ये टीकाकरण अभी टैगिंग करने के लिए जाएगा, वो कैसे रिक्स लेगा? उसको कहीं बांध देता है, कहीं जो है सो जुर्माना लिया जाता है। इस सब के लिए कोई सरकार अभी तक जो है ये नहीं किया है, तो जुर्माना उसको लगा तो हम सरकार स्तर से दिला दे पशु का। तो किसान भी आप टैगिंग कराने के लिए इच्छुक नहीं हो रहा है। इस सब के देखते हुए सरकार अगर पंचायत स्तर पर पशु सलाहकार के रूप में नहीं चयन किया गया, तो ये आंदोलन आगामी जारी रहेगा। सबके लिए अपना सरकार सोच करके अविलंब हमको फैसला किया जाए। अगर नहीं किया तो ये आंदोलन अनिश्चितकालीन के लिए चलता रहेगा। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ राम शंकर सिंह, पशु टीकाकर्मी संघ का जिला अध्यक्ष दरभंगा। पंचायत स्तर पर नियोजन करें, कार्य स्तर पर उसका सुरक्षा की गारंटी करें, और ये जो सुरक्षा बीमा है, दुर्घटना बीमा है, उस बीमा की गारंटी करें, क्योंकि कार्य स्तर पर देखा गया है कि कई टीकाकर्मी पिछले दिनों बिहार के अन्य जिलों में, दरभंगा समेत अन्य जिलों में टीकाकर्मी का मौत हो गया है, और उस मौत के लिए न प्रशासन जिम्मेवार है, न जिम्मेवारी ले रहा है, न राज्य सरकार जिम्मेवारी ले रहा है, न मंत्रालय जिम्मेवारी ले रहा है। इसीलिए टीकाकर्मी आज आंदोलन पर मजबूर है। मैं बिहार सरकार को यह आग्रह करता हूँ, आगाह करता हूँ कि अगर आप समय रहते नहीं चेतते हैं, तो ये टीकाकर्मी आने वाले चुनाव में भी आपको सबक सिखाएगा। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और देखते रहे HBN न्यूज।